हाय गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम पैटर्न 6 का सलूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अलग नहीं है पिछले सवाल से, वैसा ही है। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ होलो डायमंड को और इसको डिस्कस करते हैं। एन इक्वल टू 5 के लिए है, ये 5 रोज में हमें दिख रही हैं। तो पहले 3 स्टार हैं, फिर एक स्पेस है, ये रहा, और फिर 3 स्टार दोबारा हैं। फिर अगली रो में 2 स्टार, 3 स्पेस, 2 स्टार। नेक्स्ट रो में 1 स्टार, 5 स्पेस, 1 स्टार। नेक्स्ट रो में 2 स्टार, 3 स्पेस, 2 स्टार। नेक्स्ट रो में 3 स्टार, 1 स्पेस, 3 स्टार। तो इट इज़ वेरी मच लाइक द ओल्ड क्वेश्चन, बस स्टार के बजाय स्पेस अंदर आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा एक और फर्क भी है, वो स्क्वायर था, 5 रो 5 कॉलम थे, यहाँ पर 5 रो 7 कॉलम है। तो जो आपके इनिशियल स्टार्स है ना, वो n बाई 2 नहीं है, वो n बाई 2 प्लस 1 है। n बाई 2 तो 5 होता, 5 बाई 2 तो 2 होता है, ये तो 3 है। ठीक है, तो आपको स्टार्स का लूप चाहिए होगा, फिर स्पेसेस, और फिर दोबारा स्टार्स का लूप चाहिए होगा। ठीक, तो एक बार इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये एक रो के लिए बोला था मैंने, तो देखिएगा मैंने क्या किया। मैंने बोला स्टार्स इज इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1 एंड स्पेस इज इक्वल टू 1 इनिशियली, और ये अपना लूप चला दिया फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, जो हम हमेशा करते हैं। अब अंदर देखिएगा, ऑफ कोर्स मैं अंदर आते ही प्रिंट कर रहा हूँ क्या, स्पेस, और मैं सिर्फ स्पेस और स्टार नहीं प्रिंट कर रहा, इनफैक्ट मैं पहले स्पेस प्रिंट भी नहीं कर रहा, मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्टार कॉमा स्पेस कॉमा स्टार। और उसके बाद देखिए, पहले हाफ में स्टार घटते हैं, स्पेस 2-2 से बढ़ता है, दूसरे हाफ में स्टार बढ़ते हैं, स्पेस 2-2 से घटता है। तो मैं पहले हाफ और सेकंड हाफ का फर्क करूंगा, जब तक आई लेस देन इक्वल टू एन बाई 2 है तो स्टार तो 1 से कम होगा, एक साइड वाला 1 से कम होगा, और स्पेस 2 से बढ़ जाएगा, और उसके बाद स्टार 1-1 बढ़ेंगे और स्पेस 2-2 घटेंगे, स्पेस 2-2 घटेंगे। ठीक है, यहाँ कोड के साथ डिस्कस करते हैं ताकि बात थोड़ी ज्यादा दिमाग में आ सके। पहले तो यूजर से तो इनपुट उठाना ही होगा, अब जो हमारे स्टार्स हैं वो n बाई 2 है नहीं, वो n बाई 2 प्लस 1 है, और जो हमारे स्पेस हैं वो केवल 1 है इनिशियली, और ये घुमा दिया लूप। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करने लगूं तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, एस टी प्लस एस पी प्लस एस टी, दोबारा दोबारा स्टार स्पेस स्टार एक रो में, और उसके बाद अगर आई जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू एन बाय 2 है, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इक्वल टू एन बाय 2 अच्छे से पिछले सवाल में, तो आप इक्वल टू का डिस्कशन वहां देख सकते हैं जाकर। तो इक्वल टू तक स्टार 1-1 से कम होते रहे, एक तरफ का स्टार 1 से कम हुआ और स्पेस 2 से बढ़ गया, और n बाई 2 के बाद स्टार बढ़ने लगे और स्पेस 2 से कम होने लगे। ठीक है, तो इतने को एक बार चलाकर देखते हैं हम लोग 7 के लिए, यानी 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 के लिए चलाकर देखते हैं। तो 3-1-3 इंटरेस्टिंग, 3 स्टार 1 स्पेस 3 स्टार, 2-3-2 2 स्टार 3 स्पेस 2 स्टार, 1-5-1 1 स्टार 5 स्पेस 1 स्टार, 2-3-2 2 स्टार 3 स्पेस 2 स्टार, 3-1-3 3 स्टार 1 स्पेस 3 स्टार। तो ये अपना डायमंड है, होलो डायमंड, मगर हमारा टेस्ट के सभी पास नहीं हो सकता, क्योंकि भाई हमें नंबर थोड़े प्रिंट करने हैं, हमने एक्चुअली स्टार प्रिंट करना है, पहले स्टार फिर स्पेस फिर दोबारा स्टार। तो फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू स्टार, पहले स्टार, तो ये एक लूप होगा, इसमें कुछ करेंगे, ऐसा ही एक लूप अंत में भी होगा, और बीच में इनके
कौन सा लूप होगा? स्पेस वाला, है ना? तो पहले स्टार प्रिंट होंगे, फिर स्पेस, फिर दोबारा स्टार, एक रो खत्म हो जाएगी, तब हम एंटर मार देंगे। तो प्रिंट लाइन ना करें, प्रिंट करें। तो यहां सिर्फ स्पेस, और जब एक रो खत्म हो जाएगा ना तो एंटर मारना याद रखें। तो पिछले सवाल से मैं सीख ले रहा हूं, उसमें मैंने गलतियां की थी, तो इस बार मैं सीधा ठीक करना चाहता हूं। मुझे ठीक सा महसूस हो रहा है, तो अब सबमिट करके देखते हैं कि मैच होता है या नहीं। तो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। आई होप आपको स्टडी अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हम वेरिएबल्स को काबू करके लूप से बाद में उन वेरिएबल्स की शेप बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अगले सवाल मिलते हैं, बाय।